नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज खबरों के साथ मैं वर्षा सिंह। और अब नजर आज की खास बड़ी खबर पर। पन्ना से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, खबर है कि पन्ना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा एस थोटा की सक्रियता के चलते पन्ना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। पवई पुलिस ने 5 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पिकअप से मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले 5 आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। क्या है पूरी खबर, जानिए हमारे साथ। थाना प्रभारी पवई निरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी को साइबर सेल के एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति पिकअप वाहन में उड़ीसा से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। कार्यवाही के निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस टीम गठित कर जूही मोड़ में वाहन चेकिंग लगाई गई। कुछ देर में एक सफेद रंग का पिकअप वाहन आता दिखा, जिसमें चालक सहित कुल 5 लोग बैठे थे, जो वाहन रुकते ही उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। वाहन क्रमांक OD03D7275 को चेक करने पर उस पर धान की भूसी की बोरियां दिखाई दी। नीचे प्लास्टिक की सतरंगी ग्रे कलर की 14 बोरियों में कुल 5 क्विंटल 38 किलो गांजा कीमत करीब 1,07,74,000 रुपए का पाया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों को के कब्जे से गांजा एवं पिकअप कीमत करीब 8 लाख रुपए, कुल मशहूर का कीमत करीब 1,15,74,000 रुपए जब्त कर 5 आरोपियों आशाराम पटेल पिता नीलाल पटेल उम्र 21 वर्ष, 2 सुनील पटेल पिता काशीराम पटेल उम्र 21 वर्ष, 3 रामेश्वर पटेल पिता बच्चू पटेल उम्र 33 वर्ष, 4 समरन पटेल पिता रामदयाल पटेल उम्र 24 वर्ष, चारों निवासी बमीठा जिला छतरपुर के हैं, और 5वां निमेन चरण भोई पिता राजकिशोर भोई उम्र 21 वर्ष निवासी उड़ीसा को गिरफ्तार कर थाना पवई में धारा 8/20 NDPS एक्ट की धारा कायम कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उक्त पुलिस टीम को 30,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। 30,000 के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। जी, एक मुखबिर के थ्रू हमको सूचना थी, जिसे डेवलप किया गया साइबर पुलिस और थाना पवई द्वारा, और इसमें कल शाम की बात है 29th को जूही मोड़ पर नाकाबंदी करके जो है कुछ गांजा सप्लाई करने वाले को पकड़ा है, जिसमें एक पिकअप और 5 आरोपी पकड़े गए हैं, और लगभग 538 किलो गांजा जब्त हुआ है, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ से लेकर 1,20,00,000 के बीच में कहीं भी हो सकती है। इसमें 5 आरोपी है, उनको जेल भेजा गया है और उनसे और कोर्ट से उनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। कहां से कहां खेप जा रहे हैं? ये खेप जो है गाड़ी उड़ीसा की है, नंबर प्लेट उड़ीसा का है, और ये गाड़ी उड़ीसा से जो है वो पन्ना छतरपुर एरिया में आने का इसका पता चल रहा है, और इस अच्छे खुलासे के लिए जो टीम है उसको 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है सर, 1 करोड़ का गांजा जब्त होना है, कहीं छवालिया निशान पैदा करता है 1 करोड़ का गांजा। पन्ना पुलिस की बहुत अच्छी उपलब्धि है, इसके लिए जिस टीम ने काम किया है वो बिल्कुल बधाई का पात्र है, और उनको उचित तरीके से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अपराधी केस में अपराधी नहीं छूटते हैं इसमें, क्योंकि पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा प्रोसेस ड्रिवन रहता है, तो इसमें हमारे जो थाना प्रभारी पवई है वो विवेचना को सुपरवाइज भी कर रहे हैं, और वो काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि विवेचना जो है वो फुल प्रूफ रहे। और भी आरोपियों की संलिप्त होने की आशंका? जी, हमारे पास सूचना है कि इसके इनसे जुड़े हुए और भी आरोपी हो सकते हैं, तो अभी रिमांड लेकर पूछताछ करके अन्य लोगों को भी घेरा जा सकता है। ये गांजा कहां का जंगल से होने वाला है? संभवतः ये गांजा जो है ये छतरपुर पन्ना और इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास का जो एरिया है इसमें कंज्यूम होना है।